सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका के बीच ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम रक्षा समिति के सदस्य संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखें। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन की जहां एक तरफ कोरोना से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वहीं आपराधिक गतिविधियों को रोकना भी एक चुनौती बना हुआ है। अब आशंका जताई जा रही है कि इस काल में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी, जिसको देखते हुए सिंगरौली पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखने के साथ ही लगातार पुलिस से संपर्क में रहने की सलाह दी। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का अच्छे कार्यों के लिए सम्मान भी किया गया। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थानों में ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।